अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ माजिद शहाब और आज का ये जो वीडियो है वो है हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 4। जो आज के टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। हमारी जो आज की डिस्कशन है वो है आइडेंटिफायर के ऊपर, और उसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के आइडेंटिफायर्स जो हैं प्रोग्रामिंग में वो अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या होता है प्रोग्रामिंग में, और फाइनली इंशाल्लाह हम लोग अपना प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करने जाएंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताऊंगा कि आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही नहीं लग रहे तो इसको डेफिनेटली डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स को ये समझ आ रही है, कितने स्टूडेंट्स को ये ठीक लग रहा है, कितने स्टूडेंट्स को ये ठीक नहीं लग रहा, ताकि मैं उनसे डिस्कशन कर सकूँ और उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनको इशूज़ आ रहे हैं वो उसको सॉल्व कर सकूँ। सेकेंड ये है कि आप इतने जो वीडियोज़ देख रहे हैं उनको जितना हो सके लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होती है, और ये जो लेक्चर्स हैं इससे मैं ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों के लिए क्लियर करूँगा। जब तक आप लोगों की तरफ से फुल फीडबैक नहीं आएगा कि ये क्लियर हुआ है या नहीं, तब तक मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, उस टॉपिक को। सो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कवर कर दूंगा सब कुछ। आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, लेक्चर नंबर 4, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसके ऊपर है, आइडेंटिफायर। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर जो है, आप समझें कि आपकी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर बेसिकली एक नेम है, एक नेम है, ठीक है। आप किस चीज का नेम है, इट कैन बी नेम, इट कैन बी लेबल, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस चीज का नेम है, ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जिधर आप लोग अपना डेटा सेव करने जा रहे हैं उस जगह का नाम है। सो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक नाम सुना होगा रैम, ठीक है। रैम जो होती है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होती है कि लेट्स सपोज ये आप जो अभी आप देख रहे हैं ये समझे कि रैम है। रैम के जो है वो पोर्शंस होते हैं। रैम एक स्टोरेज है हमारे पास, उसके इस तरह पोर्शंस होते हैं, ठीक है। आप समझे कि ये कुछ पोर्शंस हैं। अब इन पोर्शंस में जब आप लोगों का सिस्टम ऑन होता है तो वो कुछ डेटा रखता है खुद से। आपकी विंडोज़ का डेटा रख सकता है, आप जो सॉफ्टवेयर्स ओपन करते हैं उनको रख सकता है, काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं पहले से। जब हम कोडिंग करते हैं तो हम लोग भी इसी चीज़ का सहारा लेते हैं, इन्हीं पोर्शंस का, इन्हीं ब्लॉक्स का सहारा लेकर अपना डेटा जो है उनमें पुट करते हैं, ठीक है, अपना जो डेटा उसमें पुट करते हैं इन बॉक्सेस में। और हम लोग अपनी आसानी के लिए उन बॉक्सेस को एक नाम भी देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम लोगों ने जिस जगह पर कोई चीज़ रखी है उस जगह का नाम क्या है, ताकि हम उसको बाद में रेफ़र कर सकें, उसको कॉल कर सकें। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं, तो मैं इसमें पहले बॉक्स का नाम रखता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम, और थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं टेक्स्ट का, क्योंकि बहुत बड़ा है। ओके, पहले बॉक्स का नाम मैंने रख लिया नेम। दूसरे बॉक्स का मैं रख लेता हूँ नाम एज, ठीक है। तीसरे बॉक्स का नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट की लेट्स सपोज क्लास एंड सो ऑन। इस तरह के मैं बहुत से नाम रख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी बॉक्सेस हैं ये 1, 2, 3, उनके अपने अपने नेम्स हैं। ये जो नेम्स हैं ये बेसिकली कहलाते हैं आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, आइडेंटिटी। इस बॉक्स की आइडेंटिटी, इस बॉक्स का नेम, इस बॉक्स का आइडेंटिफायर, कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ये है इसको प्रोग्रामिंग में बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो हमारा जो अभी टॉपिक चला है वो ये है कि टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर क्या हो सकते हैं, किस किस टाइप के आइडेंटिफायर हमारे पास अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग में। उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो आप नेम देख रहे हैं, ये जो आप एज देख रहे हैं, ये जो आप क्लास देख रहे हैं, इन सब की अपनी अपनी टाइप भी होती है। नेम में किस टाइप का डेटा आएगा, एज में किस टाइप का डेटा आएगा, क्लास में किस टाइप का डेटा आएगा, इस टॉपिक हम बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है, डेटा की टाइप। लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कशन की थी। तो आइडेंटिफायर और डेटा टाइप, ये दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं। आइडेंटिफायर और डेटा टाइप दोनों के दोनों एक साथ आते हैं। कैसे साथ आते हैं वो देख लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नेम, मैं इसमें इसकी टाइप रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर। मैं कह रहा हूँ कि कैरेक्टर टाइप का नेम जो है हमारे पास आ सकता है। मैं एज के लिए रख लेता हूँ टाइप इंट। मुझे पता है कि एज जो है वो इंटीजर टाइप की होगी, तो पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, और उसके बाद जो हम जगह का नाम लिख रहे हैं, इन बॉक्सेस का नाम जो रख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो ये रेड वाले जो हैं ये मेरे
आइडेंटिफायर है। ठीक हो गया। सो पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, एक्चुअली ये स्मॉल में, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर हम लोग लिखते हैं आइडेंटिफायर नेम। तो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर इज एक्चुअली द नेम ऑफ द स्पेस, जो आपके कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस है उसको आप एक नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपली आइडेंटिफायर। और इसके अंदर, बॉक्स के अंदर जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं वैल्यू। सो जैसे मैं यहाँ पे एज की जगह पे लिख देता हूँ 21, ठीक है, मैंने एज की जगह पे लिख दिया कि एज वाले बॉक्स में आया है 21, दैट 21 इज एक्चुअली कॉल्ड अ वैल्यू। किस बॉक्स में आई है? एज वाले बॉक्स में आई है। एज वाले बॉक्स की टाइप क्या थी? इंट थी। तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। सो होपफुली आप लोगों को आइडेंटिफायर क्लियर हो गया है कि आइडेंटिफायर नेम है आपके इस बॉक्स का जिसपे वैल्यू जो है वो प्लेस की गई है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं और देखते हैं कि टाइप्स क्या हो सकती हैं आइडेंटिफायर की। हमारे पास बेसिकली दो तरह के आइडेंटिफायर आ रहे हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर, एक को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर, और एक को हम बोलते हैं वेरिएबल आइडेंटिफायर। वेरिएबल आइडेंटिफायर, ये पीछे म्यूजिक बज रहा है, मैं जरा इसको रोकता हूँ। चलिए जी, म्यूजिक गया। ओके, सो वी हैव कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर, वी हैव वेरिएबल आइडेंटिफायर। ये दो तरह के आइडेंटिफायर्स हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट के व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि ये जो आइडेंटिफायर है इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर और देखेंगे कि ये क्या है। कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर एक ऐसा आइडेंटिफायर होगा जो कि पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। सो कैसे वो देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ, एक डेटा टाइप लिख रहा हूँ करेक्टर, और उस पर मैं कुछ नाम रखता हूँ आइडेंटिफायर का, फॉर एग्जांपल कैपिटल एच, ठीक है, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ एक वैल्यू। फिलहाल मैंने ये किया है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इक्वल साइन क्या आ गया है और ये एच क्या है एंड सो ऑन। तो हुआ क्या, इस स्टेटमेंट से आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक जगह बनी है, ठीक है, आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक जगह बॉक्स रिजर्व हो चुका है। उस बॉक्स का नाम जो आपने रखा है वो है कैपिटल एच, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतने पोर्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ये जो है, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतने पोर्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, कैरेक्टर एच। इसका मतलब ये है कि एच नाम का एक रिजर्व हो जाएगा मेमोरी लोकेशन इन योर कंप्यूटर रैम, और एक बॉक्स बन जाएगा आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, उसका नाम रखा गया एच। दैट एच इज एक्चुअली नोन एज आइडेंटिफायर। और ये जो इक्वल आया हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने, ये जो इक्वल साइन है, ये जो इक्वल साइन है, इसको एक्चुअली में प्रोग्रामिंग में बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। थोड़ा सा मैंने इसको रेड सा कर दिया, ठीक है, ताकि आपको लगे कि ये कुछ खास चीज़ है। ये जो इक्वल साइन आप देख रहे हैं, जो आपने मैथ्स में ही पढ़ा हुआ है, इसको प्रोग्रामिंग में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, असाइन करना, असाइन क्या होता है वो भी देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले असाइनमेंट, एंड दैट इज एक्चुअली ऑपरेटर, ठीक है। जैसे प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, इक्वल साइन इज एक्चुअली एन असाइनमेंट ऑपरेटर। करता क्या है वो देखिए। अगर मैंने ये जो ग्रे बॉक्स हाईलाइट किया हुआ है, इसमें मैंने दो बातें लिखी हुई हैं। कैरेक्टर टाइप का एच जो है वो डिफाइन हो रहा है। एच क्या है? आइडेंटिफायर है। किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का है। तो इतने ग्रे वाले पोर्शन से सिर्फ आपकी मेमोरी के अंदर ये बॉक्स बनेगा, उसका नाम डिफाइन होगा एच। नाउ अभी तक इस बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अभी तक ये बॉक्स समझे कि एम्प्टी है। अगर आप चाहते हैं कि इस बॉक्स को कोई वैल्यू असाइन हो जाए, इस बॉक्स को कोई वैल्यू मिल जाए, इस बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू पुट हो जाए, पुट कह लें, असाइन कह लें, मिलना कह लें, कुछ भी कह लें, उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है इक्वल साइन। अब इक्वल साइन के राइट साइड पे जो भी होता है वो आपके इस बॉक्स के अंदर आएगा। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे पास कैपिटल एच है, कैपिटल एच, और इसको हम लोगों ने पुट कर दिया है इन साइड बॉक्स। अब ये जो कैपिटल एच है ना, ये जो इस बॉक्स के अंदर आया हुआ, ये कहलाता है वैल्यू। वैल्यू
जो इस बॉक्स के अंदर आ रही है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। और ये जो ऊपर वाला एच देख रहे हैं आप लोग, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। ओके, यहाँ पे कुछ और आ गया, आइडेंटिफायर। स्पेलिंग भी गलत हो रही है इनसे आज। सो ब्लैक वाला एच जो है वो कहलाता है आइडेंटिफायर, जिसका मतलब होता है इस बॉक्स का नाम। और ये जो वाइट वाला एच है, इसका मतलब होता है कि उस बॉक्स में पड़ी हुई वैल्यू जो है वो है ये वाइट वाला एच। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 हो सकता है, ABC हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एड्रेस हो सकता है जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल मैं स्टोर जो करना चाहता था वो ये वाला एच था, और इस बॉक्स का नाम मैंने दे दिया कैपिटल एच। दोनों के वैसे वैल्यू सेम ही हो गई हैं, नाम और वैल्यू सेम हो गई हैं। ये जो इक्वल साइन है ये क्या कर रहा है, ये आपके इस बॉक्स के अंदर ये वाइट वैल्यू पुट कर रहा है। दोबारा सुने, ये इक्वल साइन आपके इस बॉक्स के अंदर जिसका नाम है एच, ये वैल्यू पुट कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, एच की बजाय लेट्स सपोज डी कर दूँ। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे आ रहा है डी, तो एच में अभी पड़ी हुई है वैल्यू डी। नाउ अब आते हैं जरा एक कॉन्सेप्ट पे, बड़ा मजे का है, उसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल, नाउ वेरिएबल क्या था बेसिकली, देखें ये जो अभी आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, इसमें कुछ बातें, तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहला एच, जो कि एक आइडेंटिफायर है, जो कि एक नाम है। दूसरा है ये बॉक्स, ये बॉक्स ब्लैक बॉक्स, ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये है बेसिकली कंटेनर, ये है कंटेनर। कंटेनर किस चीज़ का कंटेनर है? कंटेनर क्या होता है, कोई चीज़ अपने पास रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक पानी का ग्लास ले रहे हो और उसमें पानी पुट कर रहे हो, ठीक है, तो ये कंटेनर है आपका, ग्लास जो है किस चीज़ का, पानी का कंटेनर है, आपके पानी को कंटेन कर रहा है। इसी तरह अगर आप डी वैल्यू को पुट करना चाहते हैं इन दिस स्पेस, तो ये स्पेस जो है, ये बॉक्स जो है, ये आपके इस वैल्यू का कंटेनर है। ये कंटेनर एक्चुअली में कहलाता है वेरिएबल। ये कंटेनर कहलाता है एक्चुअली में वेरिएबल। आप कंटेनर कह लें, आप वेरिएबल कह लें, एक ही बात है। इस कंटेनर की एक बात है, ये कहता है कि मैं ये जो वैल्यू अभी रख रहा हूँ डी, ये बाद में अगर चेंज होगी तो मैं इसको चेंज नहीं कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये डी से हो गई है, फॉर एग्जांपल ए हो गई है, तो ये बाद में यहाँ पर भी ए हो जाएगी। यानी कि मतलब क्या हुआ कि कंटेनर या वेरिएबल अपनी वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। पहले आपने एच रखा था, फिर आपने डी रखा, फिर आपने ए रखा, वैल्यूज बदलती जा रही हैं। ये बॉक्स नहीं बदल रहा, ये वैल्यूज बदल रही हैं। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड वेरिएबल। इसका नाम ये है वेरिएबल, वेरिएशंस, चेंजेस होना। बॉक्स के अंदर चेंजेस आती रहेंगी बार बार। जैसे आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और आप हमेशा के लिए तो नहीं बैठे हुए वहाँ पे, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, अभी आप थोड़ी देर बाद चले जाएंगे और उसी रूम में सीएस के स्टूडेंट आ जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के, तो रूम नहीं बदलेगा बल्कि आप लोग बदलेंगे। आप लोग वैल्यू हैं और जो रूम है वो आपका कंटेनर है या वेरिएबल है। तो कंटेनर या वेरिएबल कहता है कि हम लोग वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। इस किस्म के वेरिएबल्स को जो अपनी वैल्यूज चेंज कर सकती हैं, जो अपनी वैल्यूज चेंज कर देती हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल आइडेंटिफायर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल आइडेंटिफायर, ऐसे वेरिएबल्स जो कि अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं, प्रोग्राम में चेंजेस आती रहती हैं उनमें, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है? जो अपनी वैल्यूज चेंज ना करें, जो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर। अब वो कैसे बनते हैं? वो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे ये बने हुए, लेकिन उसके सामने आपने छोटी सी एक चीज लिखनी है, और वो ये है, ये आपने एक वर्ड लिखना होगा उन वेरिएबल्स को डिफाइन करने से पहले, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट, दैट इज अ रिजर्व वर्ड। की वर्ड है ये, रिजर्व वर्ड है, मैंने अपने शुरू के लेक्चर में बताया है, सो प्लीज उनको जरूर देखें, लेक्चर नंबर 1, 2, 3। कॉन्स्टेंट, सॉरी, कीवर्ड्स की बात हुई भी है कि कीवर्ड्स जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, और कीवर्ड्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, मतलब वो रिजर्व होते हैं किसी न किसी पर्पस के लिए, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, दैट इज अ रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। CONST, कॉन्स्ट, CHAR डेटा टाइप, H इज द आइडेंटिफायर, इक्वल साइन इज एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड A इज द वैल्यू। अब क्या हुआ है वो देखिए, आपने जैसे ही स्टेटमेंट के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ कॉन्स्ट लगाया, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अब इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है, डेट इज ए, ये कभी भी चेंज नहीं होगी।
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको। सो इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। वेरिएबल आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर है जिनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। ओके, क्लियर हो गया? मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं। अब एक बात करते हैं और वो ये है कि कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर कौन कौन से बन सकते हैं। क्या ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इंटीजर टाइप का कॉन्स्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कॉन्स्टेंट जो है वो ऐसे बन सकते हैं? जी हाँ, ऐसे भी बन सकते हैं। आपके पास फ्लोट टाइप के भी कॉन्स्टेंट जो है वो बन सकते हैं। तो आप चाहे फ्लोट टाइप का बना लें, आप चाहे इंटीजर टाइप का बना लें, या आप चाहे कैरेक्टर टाइप का बना लें, सारे के सारे वैलिड हैं, कोई इशू नहीं है। तीनों के तीनों बन सकते हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होंगी। इंटीजर के केस में 10 ही रहने वाली है, फ्लोट के केस में 20.2 रहने वाली है, करेक्टर के केस में वो सी ही रहने वाली है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर होल प्रोग्राम। अगर कोई इनको चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसको एरर आएगा। सो अगर आपने कोई भी चीज़ फिक्स रखनी है अपने प्रोग्राम में, फॉर डैट यू कैन यूज़ कॉन्स्टेंट। अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है। आपके एक ईयर में कितने डेज होते हैं? ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं, ठीक है, चेंज तो नहीं होते ना वो। तो क्या इस किस्म के वैल्यू के लिए मैं एक कॉन्स्टेंट यूज कर सकता हूँ जो चेंज नहीं होगा? तो मैं वेरिएबल क्या लिख सकता हूँ? कॉन्स्ट इन डेज अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर ईयर। मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि ये रीडेबल रहे। ये देखिए, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ कि वो वेरिएबल क्या है। वो वेरिएबल ये है, ये आइडेंटिफायर कह लें। कॉन्स्टेंट बनाया है इंटीजर टाइप का, मैंने डेज अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर ईयर एक आइडेंटिफायर लिया और उसको वैल्यू जो असाइन किया वो है 365। इसका मतलब ये है कि ये 365 वैल्यू पूरे प्रोग्राम में यही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। और वैसे भी डेज इन ईयर चेंज नहीं होते तो वो 365 ही रहने वाले हैं। इस वजह से हमने इसको लिया है एज अ कॉन्स्टेंट। अब आप खुद सोच लें कि आपने अगर अपने प्रोग्रामिंग में कोई भी वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स रखनी होगी, आप चाहते हैं वो चेंज ना हो, किसी का नाम हो सकता है, किसी का एड्रेस हो सकता है, किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं फिक्स हो जाए, फॉर डैट यू कैन यूज दिस कीवर्ड कॉल्ड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट, आई होप ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी, अगर क्लियर हो गया तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स फॉर्म में बताना है नीचे कि आपको ये समझ आई है या नहीं आई। ओके, गुड। सो कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर है हमारे पास, वेरिएबल आइडेंटिफायर, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, वेरिएबल आइडेंटिफायर की कॉन्स्टेंट की वैल्यूज जो है वो रिमेन फिक्स रहेंगी। सो दैट इज अवर फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है प्रोग्रामिंग में? तो आए जरा देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है प्रोग्रामिंग में। स्टेटमेंट क्या होता है, इसको करवाने से पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ कि स्टेटमेंट क्या हो सकती है। That is a statement. What's your name? My name is, oops, Majid Shahab. ठीक है जी, so ये भी एक statement हो सकती है, ठीक है। So these are basically statements in your normal English language. जब आप C++ की बात करते हैं, programming की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो statements हैं, वहाँ पर भी जो lines आप लिखेंगे वो basically statements हो सकती हैं। Now हमारे पास two types की statements हो सकती हैं। That can be single statement हो सकती है आपके पास, ठीक है जी, single, and हमारे पास compound, more than one compound statement भी हो सकती है। So single का मतलब है एक ही statement, compound का मतलब है more than वन स्टेटमेंट्स। सिंगल स्टेटमेंट की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं ए प्लस बी, मैंने यहां पे लिखा ए प्लस बी,
So that can be your single statement, A plus B. Now what is A, what is B? These are basically your identifier names, जिनके अंदर कोई values जो है वो place की जा सकती हैं. एक बात का ख्याल रखिएगा, बड़ा important है, और वो ये है कि जब भी आप कोई statement finish करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो अगर आप लोगों ने English language में देखा है कि आप लोग किसी भी statement के बाद full stop लगाते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है. आपकी किसी भी स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने वाला जो सिंपल है वो लगाना है, एंड दैट इज़ बेसिकली सेमी कॉलन. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सेमी कॉलन का मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट फिनिश हो गई है, आपकी स्टेटमेंट फिनिश हो गई है. सो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखता हूँ. लेट सपोज इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3 एंड सेमी कॉलन. डैट विल बी योर स्टेटमेंट, अनदर स्टेटमेंट. अगर आप इस तरह लिखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं, आप एक ही लाइन में ये सब कुछ लिखते हैं. अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये एक स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली दो स्टेटमेंट है. ठीक है, आपने एक ही लाइन में लिख दिए हैं, लेकिन कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग इसको कैसे डिटेक्ट करेगी, जहाँ जहाँ पे सेमी कॉलन आ रहा है वो समझ जाएगी कि डैट इज़ अ वन स्टेटमेंट, डैट इज़ अनदर स्टेटमेंट. तो आप इसको एक लाइन में लिख दें, आप इसको दो लाइनों में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सिर्फ सेमी कॉलन की बेस पे डिटेक्ट करता है कि ये एक स्टेटमेंट है, उसके बाद फिर दूसरी स्टेटमेंट है, एंड सो ऑन. ठीक है, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मैं डायरेक्ट लगाता हूँ सेमी कॉलन, डैट कैन बी स्टेटमेंट. व्हाट इज मीन बाय दिस थिंग, इसका मतलब है नथिंग, और नथिंग को हम कंप्यूटर में बोलते हैं नल, नल स्टेटमेंट. कुछ लिखा ही नहीं गया, बस डायरेक्ट सेमी कॉलन लगा दिया, दैट इज नल स्टेटमेंट. नल स्टेटमेंट तो खैर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिकली दीज आर सिंगल स्टेटमेंट्स. अगर आप बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है. सो फॉर एग्जांपल, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी. ठीक है, इसके बाद डेफिनेटली आएगा सेमी कॉलन, फिर आएगा एक्स प्लस वाई सेमी कॉलन, फिर आएगा लेट सपोज एस प्लस W सेमी कॉलन, फिर आएगा लेट सपोज 2 + 4 सेमी कॉलन. ये जितना भी है, आप कहेंगे नहीं ये तो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स हैं, सबके सामने सेमी कॉलन लग रहा है. बिल्कुल लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग कंपाउंड की बात करते हैं ना, तो कंपाउंड में एक चीज़ यूज होती है, बेसिकली कंपाउंड कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. ये पूरे का पूरा ब्लॉक है. ठीक है, सो ये ब्लॉक जो है ये बेसिकली स्टेटमेंट है हमारे पास, कंपाउंड स्टेटमेंट, मोर देन वन स्टेटमेंट्स. इस ब्लॉक को आप लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में इस सिंबल से, इस सिंबल से, ये जो सिंबल है. पता नहीं आप लोगों को समझ पड़ रही है इसकी कि नहीं, इसका साइज हम जरा बढ़ा देते हैं. वो जो कर्ली ब्रैकेट होती है, या ब्रैकेट होती है, इसको हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं. ये हमारी स्टार्ट है इस ग्रुप का, और इसका जो एंडिंग होता है वो कुछ इस किस्म का है, क्लोजिंग. नाउ जो भी चीज़ आपके इस स्टार्ट वाले ब्रैकेट में और क्लोज वाले कर्ली ब्रैकेट में, एक्चुअली दीज आर कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे एक से ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. एक बात का ख्याल रखिएगा, कंपाउंड मीन्स मोर देन वन स्टेटमेंट्स, लेकिन वो मोर देन वन स्टेटमेंट्स जो हैं इस बॉक्स के अंदर हैं, ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हैं. हर एक के बाद सेमी कॉलन ज़रूर आना है, ठीक है, ये रूल है, हर एक के बाद सेमी कॉलन ज़रूर आना है, लेकिन ये कम्प्लीटली कहलाएगा एक ब्लॉक और कंपाउंड स्टेटमेंट. और ख्याल ये रखना है कि जब कर्ली ब्रैकेट लगाएं तो उसके बाद आपका सेमी कॉलन नहीं आता, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स के साथ आ रहा है, इसके साथ नहीं आएगा. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब आपकी पढ़ेगी, स्टार्ट सिंपल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो वो समझ जाएगी कि ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. काफ़ी नॉलेज आप लोगों को मिल गई है अबाउट C++ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बेसिक्स. आप लोगों को आइडिया हो गया है स्टेटमेंट क्या होता है, आपको पता लग गया कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, आपको पता लग गया कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, काफ़ी कुछ आप लोग जान गए हैं. नाउ इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रैक्टिकल वर्क इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से एडिटर्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप लोग कौन सा यूज़ करना चाहिए आपको एज अ बिगनर, सब बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ. मेरे साथ कंटिन्यू रहिए इस सीरीज़ में, और कोई भी क्वेश्चंस है तो मोस्ट वेलकम, मुझे कमेंट्स फॉर्म में बताइए. मुझे लाइक और डिसलाइक के बारे में भी पता करना है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं कितना अच्छा या कितना बुरा पढ़ा रहा हूँ. ठीक है जी, चलें आज के लेक्चर में इतना ही था,
मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड खुश रहिए एंड अल्लाह हाफिज़।